नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर झुंझुनू से है, जहां शहीद अजय कुमार की पार्थिव देह पैतृक गांव जाखल पहुंची। इस दौरान बीटी के अस्पताल से पार्थिव देह को रवाना करने से पहले एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया। इसके बाद कलेक्टर यूडी खान, एसपी जेसी शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर परवेज हुसैन और तहसीलदार योगेश देवल ने पुष्प चक्र अर्पित किए और पार्थिव देह जाखल के लिए रवाना की गई। आपको बता दें कि जाखल गांव में शहीद अजय कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग अपने लाडले के अंतिम दर्शनार्थ पहुंचे। ड्रीम रेजिडेंट कारगिल आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो पिछले 13 साल से 41 में काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा काम था उनका, लेकिन हमारा साथ नहीं दे पाए ज्यादा दिन तक। नायक अजय कुमार को शहादत देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ये बड़ी दुख की बात है कि अजय लद्दाख पे अपने ड्यूटी पे पोस्ट थे, जो कि जो जगह है वो बहुत ही कठिन जगह है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम रहती है और वैसे जगह पे कोई इंसान नहीं रहता, और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उगते, वहाँ हमारे सैनिक रहते हैं अपनी शरद को की हिफाजत के लिए। अजय को चेस्ट पेन हुआ था 17 तारीख को, और वहाँ इलाज करने के बाद उनको बड़े हॉस्पिटल लेके गए 18 तारीख को, मगर वहाँ पहुँचते हॉस्पिटल में बताया कि अजय कुमार राजस्थान नवलगढ़ के शहीद हो गए। खबर जोधपुर के ओसिया से है, जहां शहीद कृष्णाराम जाखड़ की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 115 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान नेवरा के शहीद कृष्णाराम जाखड़ को श्रद्धांजलि भी दी गई। का आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक 81 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। तो सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, और सर्वप्रथम पहली बार नेवरा रोड में एक शहीद के नाम पे जो रक्तदान का पूरे गांव ग्रामवासियों ने मिलकर जो आयोजन करवाया, उसके लिए भी पूरे गांववासियों को धन्यवाद। अलवर के तिजारा कस्बे में बजरंग दल की ओर से चीन बॉर्डर पर शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कस्बे के शहीद स्मारक पर संयोजक संजय सैनी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गौरक्षा प्रमुख यशपाल सैनी, प्रखंड सह संयोजक चंद्रपाल कसाना, भारत सेना सैनी सहित बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बजरंग दल शाखा तिजारा के प्रखंड संयोजक संजय सैनी के नेतृत्व में भारत चीन बॉर्डर पर जो 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, उनको शहीद स्मारक तिजारा पर श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई, एवं जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार करने की मांग की गई है। खबर झुंझुनू के बुहाना क्षेत्र से है, जहां करनी सेना के पदाधिकारियों ने चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पाचेरी कला मोड पर तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला। साथ ही में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला भी फूंका और साथ ही में चाइना के सामान का बहिष्कार किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गिरवर सिंह तंवर, सोनू सिंह, लकी सिंह इत्यादि उपस्थित रहे।
खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां सीमावर्ती इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार सुबह से एक बड़ा झुंड खेतों पर डेरा डाले हुए है। इसके बाद किसानों पर संकट और अधिक बढ़ गया और ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। किसान अपने स्तर पर थाली और पीपे बजाकर इस टिड्डी दल को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नागौर के मुंडवा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में एक बार फिर टिड्डी की दस्तक से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जहां किसान कपास की फसल की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में किसान टिड्डियों को भगाने का जतन अब कर रहे हैं। किसान टिड्डी दल को खेतों में नहीं बैठने दे रहे, इससे टिड्डी दल आगे निकलते जा रहे हैं। तो वही कृषि विभाग के कर्मचारी टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करवा रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने लालसोट बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। नगरपालिका चेयरमैन ने बताया कि बस स्टैंड प्लेटफॉर्म के नवीनीकरण का कार्य सांसद कोटे से 18 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति बकानी में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने सैनिटाइज अभियान शुरू किया। शनिवार को विकास अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह पोसवाल और पंचायत समिति कर्मचारियों की टीम ने पंचायत समिति के कार्यालयों की सफाई में सफाई की और उन्हें सैनिटाइज कराया। विकास अधिकारी शिव सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत ने पहले भी सभी कार्यालय को सैनिटाइज कर लिया था। विकास अधिकारी ने पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारियों से सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए नियमित तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर लगाने और साबुन से हाथ धोने की अपील की है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ चानौत गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हक एक जमीन श्रमिकों की जॉब कार्ड से हाजिरी ली। इसी के साथ श्रमिकों के लिए छाया पानी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। इसके अलावा श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की भी अपील की। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र से है, जहां गांव सात जीरी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में प्रशासन सतर्क हो गया है। मेडिकल टीम ने मरीज के परिजनों सहित अन्य संपर्क पे आए 36 लोगों के सैंपल्स लिए। लैब टेक्नीशियन बलराम वर्मा ने इस पर बताया कि रैंडम सैंपल के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन, नाकों पर तैनात पुलिस, शिक्षक, चिकित्सा सेवा में कार्यरत कर्मी और इसके अलावा बाहर से आए हुए लोग आदि शामिल है। घरसाना के निकटवर्ती गांव साजीडी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर आज रैंडम सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज के जो परिजन हैं उनके भी सैंपल जो है वो भी लिए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन बलराम जी मौजूद हैं। सर, आज क्या व्यवस्था, जिस प्रकार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, किन लोगों के आपके द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं? ये सात सैंपल तो जो सात जीडी का पॉजिटिव मरीज पाया गया है उसके कांटेक्ट वाले हैं, उसके परिवार के लोग। बाकी जो बाहर के आए हैं लोग दिल्ली बॉम्बे वगैरह से, जो क्वारंटाइन किए गए हैं संस्थागत क्वारंटाइन, उनके सैंपल ले रहे हैं। और बाकी चार पांच सैंपल वो हैं जो क्वारंटाइन सेंटर पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उन लोगों के सैंपल हम ले रहे हैं। बिल्कुल, कितने सैंपल आज लिए जा रहे हैं और इन सैंपलों को कहाँ भेजा जाएगा? कुल आज हम 36 सैंपल ले रहे हैं, इनको माइक्रोबायोलॉजी लैब बीकानेर भेजेंगे। कल शाम तक या परसों सुबह तक इनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी हमें। बिल्कुल, लगभग 36 रैंडम सैंपल जो है लिए जा रहे हैं और इनकी जो रिपोर्ट है
वो कल आएगी, रिपोर्ट नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है ये रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हुआ होगा। लेकिन स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं अलर्ट है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं एवन टीवी तमाम लोगों से ये अपील करता है कि सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे सहयोगी शिव शंकर के साथ विकास परिक, एवन टीवी, गरसाना। खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां सामाजिक संस्था एक नन्ही सी जान प्यारी मुस्कान के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया, साथ ही में उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण मेढतवाल और प्रदीप मेघवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। मेढतवाल, डॉक्टर तमीर हुसैन, डॉक्टर नवीन शर्मा को कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। ये संस्था पिछले 5 साल से यहाँ कार्य कर रही है और हमें सम्मान किया, इसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अलवर में बानसूर पंचायत समिति को स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित किया। आपको बता दें कि विधायक शकुंतला रावत की मांग पर सीएम गहलोत ने बजट भाषण में बानसूर को नगरपालिका बनाने की घोषणा की। अभी अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और साथ ही में विधायक शकुंतला रावत का आभार भी व्यक्त किया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। तो वही तखतगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने हक की भूमि का पट्टा बनवाने के लिए मांगी जा रही रिश्वत की शिकायत उपखंड अधिकारी से की, जिसमें बुजुर्ग दंपति ने नगरपालिका अध्यक्ष रंजना कुमारी और उसके पति पारस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत की जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार ने ईओ नरेंद्र सिंह कांबा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दंपति ने बताया कि पट्टा बनवाने के लिए समाचार पत्र में 7 दिन की आपत्ति सूचना प्रकाशित हो चुकी है। ईओ ने पत्रावली पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जबकि पालिका अध्यक्ष रंजना कुमारी का कहना है कि उसके पति पारस ने इस कार्य के बदले 50,000 रुपए मांगे हैं। दंपति ने बताया कि पालिका में पट्टा बनवाने के लिए 37,000 रुपए की राशि जमा करा चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक पट्टा नहीं मिला है। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति ने उन पर लगे आरोपों को झूठा करार किया है। उनका कहना है कि ऐसा करके हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये शिकायत मेरे सामने ही एक जो प्रार्थी है उसी ने एसडीएम साहब को करी थी। अभी तक मामले ये जो मामला है 2011 से लगा हुआ है, जो पत्रावली है और अतिक्रमण नियमन है, और 2015 से ये पत्रावली पे किसी भी प्रकार की कोई साइन नहीं हुई है और पेंडिंग चल रही है। नहीं तो अभी कोई उनकी रसीद भी काटी गई थी नगर पालिका द्वारा, अगर ये अतिक्रमण है तो नगर पालिका ने कैसे किया? गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार 2017 के निर्णय के अनुसार अतिक्रमण नियमन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो फतेह मोहम्मद जी आए थे और वो उन्होंने उपखंड अधिकारी महोदय एसडीएम साहब को उनके पट्टों की पत्रावलियाँ बताई और उन्होंने कहा कि मेरे से 50,000 रुपये मांग रहे हैं। इनकी फाइल 2013 से नगर पालिका में पड़ी है, किसी ने उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि और अभी भी वर्तमान में भी ऐसे पट्टों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ दबाव बनाए इनके ऊपर ताकि ये हमारे पट्टों पर साइन कर देवे, तो ऐसे दबाव बनाने से साइन होते नहीं है। मैंने फाइल बढ़िया काफ़ी दिन हुआ और ये सारा दस्तक हुआ, सारा मैं हमारा दस्तक हुआ, मैं पारस भाई और सेनन साहिबा मैंने बार बार टॉसर कर रखे 50,000 दीदे सभी आपने साइन मैं करूँगी और आपका आपने नेता का दौड़दार हो बार बार मैं नया पोस्ट बच्ची है, एक बेटा है, मेरे पास जमीन नहीं, जागीर नहीं, कुछ है ही नहीं है, और मगर माना है हमारा वतरला वाड़िया पारस भाई वतरला वाड़िया और सेनन साहिबा का 50,000 दीदे सब साइन करूँगी तो तुम्हारा वो थोड़ा दूंगा, देखो वो बगाड़ कर रही है, मैं क्या करूँ, मुझे मतलब फांसी का मरना पड़ी, क्योंकि हमारे पीछे हमारी जो ज़मीन है चलो, जिसका हम वहाँ पीछे से आया जाया करते थे, चलो इन लोगों ने अतिक्रमण किया, चलो उसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमण हमारी शिकायत की, हमने अतिक्रमण हटाया, म्यूनसिपाल्टी ने बोर्ड भी लगवाया था वहाँ पर, उसके बाद दोबारा इन्होंने अतिक्रमण किया और बोर्ड हटा दिया, उसके बाद वापस एसडीएम साहब से हमने अपने ये साहब से वापस शिकायत की, नगर पालिका में शिकायत की,
तो उन्होंने वापस ऑर्डर पास निकाला है जिसमें हमारे पास सबूत है, सब आउती भी है जिसमें लिखा हुआ है जेसीबी वेसीबी सब। उसके बाद इन्होंने वो गेट तोड़ा, गेट तोड़ने के बाद में जब हमने हमारी एप्लीकेशन लगाने के बाद में इन्होंने पैसे किस आधार पे भरे। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले काफी समय से सामूहिक आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आ रही है। आज भी जिले में 3 अलग अलग आत्महत्याओं की घटनाओं से सनसनी फैल गई, जिसमें 2 मासूमों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। जिले के सरली गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर विवाहिता के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी घटना रावतसर गांव की है, जहां भी एक विवाहिता ने 1 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों घटनाओं से सदमे से लोग बाहर भी नहीं आए थे। किसी बीच जिले के चौहटन क्षेत्र के बिंजासर गांव में एक प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में युवती की तो मौके पर ही मौत हो गई और युवक की फांसी के फंदे से जान बची, लेकिन प्रेमिका की मौत को देखकर युवक ने पास ही स्थित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है। आज एक सरली गांव है जो बानू का पास है, उसी एक 28 साल की विवाहित लेडी थी, वो अपनी बच्ची के साथ टांके में कूद गई, जिस पर टांके से बाहर निकलवाने के बाद में पीर पक्ष ने उसके भाई ने रिपोर्ट दी कि भाई दहेज के लिए और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करके इसको बच्ची को किया। उस पर आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के अभी और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही। खबर दौसा के सिकराय क्षेत्र से है, जहां सिकंदरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 19 लोग घायल हो गए। घायल महिला पुरुषों को सिकंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में 17 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सूचना पर सिकंदरा थाना प्रभारी में पुलिस जाब्ते मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। दूसरे पक्ष में प्रहलाद, हाँ दोनों गुजरे, एक मान सिंह है राजावाली ढाणी, हाँ दूसरा आदावाली ढाणी का। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? इनके झगड़ा हुआ है पुराने कोई भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने रेफर हुए हैं? इसमें करीब 19 आदमी दोनों पक्षों से 19 आदमी और औरत घायल हुए हैं। उनमें से 17 को, दोनों पक्षों के 17 आदमियों को दूसरा रेफर कर दिया। बूंदी के नैनवा के लक्ष्मीपुरा गांव में कुएं में गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। तो वहीं इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि बाबूलाल खेत की रखवाली करने गया था, इसी दौरान मवेशी भगाते समय बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। खबर अलवर के बांसूर क्षेत्र से है, जहां पर बिलाली गांव के एक मंदिर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का बांसूर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को उसके बाद में सौंप दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर टोंक के निवाई क्षेत्र से है, जहां गांव बड़ी बरथल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मरौनी थाना प्रभारी शिवजीलाल ने बताया कि युवक प्रेमचंद का पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। खबर जयपुर के चाकसू क्षेत्र से है, जहां कोटखावदा के पाटोल वाली ढाणी में युवक का पैर फिसलने से वो कुएं में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला और उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांदीकुई के मेगा हाईवे पर एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त योगेश बैरवा निवासी चक्र रेवासा के रूप में की है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबा कर्मचारी जानकीलाल की हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी भवर सिंह हाड़ा ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद टीम का गठन किया गया और साक्ष्य जुटाकर आसपास के लोगों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद दो लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहीं अब पुलिस की ओर से आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और दो मिनट का मौन भी रखा गया। इसके साथ में चीन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया, साथ ही में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली, शहर मंडल अध्यक्ष आनंद उपाध्याय, ऋतु बनावत सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वही जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शातिर नगबजन चौथमल कीर निर्माणाधीन मकानों के दिन में रैकी करता था और रात को वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता था। बाद में आरोपी चोरी का सामान औने पौने दामों पर बेचकर मौज मस्ती किया करता था। हरमाड़ा निवासी दीपेंद्र सिंह ने अज्ञात चोर के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी चोर को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी उससे बरामद कर लिया गया है। खबर टॉक के निवाई क्षेत्र से है, जहां पर एसडीएम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुरकर ने काशीपुरा मोड़ से अवैध बजरी परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। थाना कार्यवाहक प्रभारी प्रकृता सिंह ने बताया कि अचानक कार्रवाई को देखते हुए वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर खनन विभाग को इसके बारे में सूचना दी और नियमानुसार कार्रवाई इस पर अब की जाएगी। खबर टॉक के निवाई क्षेत्र से है, जहां एसडीएम लक्ष्मी नारायण बुनकर ने राजकीय पशु अस्पताल छिराना का निरीक्षण किया और साथ ही में अव्यवस्थाओं को लेकर कंपाउंडर को फटकार भी लगाई। इसी के साथ चिकित्सा अधिकारी महावीर चौधरी, शोभरा मीणा बिना सूचना के अनुपस्थित मिले, जबकि पंजिका रजिस्टर में कॉलम खाली छोड़ा हुआ था, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए कार्मिकों को फटकार लगाते हुए उनकी गैर हाजिरी लगवाई। इस दौरान सरपंच अशोक राव, ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद यादव, उप सरपंच महेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। तो वही श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल डिपो चीफ की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए बारात के लिए रोडवेज बस को मुहैया करवाया गया। आपको बता दें कि इन सभी के बीच में गौर करने वाली बात ये रही कि ये रोडवेज प्रशासन लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास भी कर रहा है। हालांकि उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ बारात के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया था। हमारे द्वारा यहाँ से बस के लिए यात्रियों की मांग आई थी कि भाई बस डायरेक्ट जाएगी, जिसमें पदमपुर के लिए यात्री जा रहे हैं। हमने बस के अंदर जो उनका वाजिब किराया बनता था 25% सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, उसके साथ वाहन को संचालित किया था। सर आप उन्होंने गलत लिखा था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।